ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज किस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का हिम्मत सिंघा आईपीएल वाला फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार आप सभी के लिए हमेशा यहाँ पे नए नए कंटेंट आते रहते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस, अगर आप में से कोई भी भाई अगर इंस्टाग्राम और यूट्यूब से रिलेटिव अगर टिप्स एंड ट्रिक्स जानने में अगर इंटरेस्टेड है, तो गाइस तुम्हारे भाई ने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ये जो बैकग्राउंड है गाइस, ये मैंने ऐसे ही मतलब कि इसमें हम मॉडल का ऐड करेंगे, ये मैंने ऐसे ही ओपन किया है, ठीक है। बाकी अगर आपको इस बैकग्राउंड में अगर फोटो एडिट करना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इजीली डाउनलोड कर लेना। देन गाइस, हम यहाँ पर अपने बैकग्राउंड मॉडल को ले लेते हैं। गाइस, मॉडल को हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से इतना साइज रख के हम कुछ इस टाइप से ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में, एंड दूसरे मॉडल को भी यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐड कर लेंगे। एंड गाइस, अभी आप सभी को लग रहा होगा कि यार ऊपर और नीचे की तरफ तो स्पेस खाली है, तो अब इसको हम कैसे मतलब कि मर्ज करेंगे, तो वह सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहना एंड बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको एक एक स्टेप से आपको बहुत फायदा होगा इसमें, तो बाकी आप देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट से जो बाकी का वेस्ट एरिया हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो रिमूव हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे हम ऐड फोटो में जाएंगे। एंड ऐसे गाइस, हम एक टीवी का जो पीएनजी का हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा गाइस, तो आप इसको भी इजीली डाउनलोड कर लेना। एंड इसको गाइस आपको अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किस तरफ लगाना अपने इसको टीवी को। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली इसका ओपेसिटी कम करना है ताकि रेस करने में ईजी हो जाए। एंड उसको यहाँ पे हार्डनेस को फुल कर लेंगे, ऐसे फोटो को जूम करेंगे। एंड ऐसे गाइस, हम जो बेस्ट एरिया को हम इसको यहाँ पे फटाफट से रेस कर लेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे हमें सब कुछ रेस कर लिया है। बट गाइस, आप सभी को अब लग रहा होगा कि यार यहाँ पे हमें जो बाकी का जो ऊपर का सब कुछ मर्ज करना है वो कैसे करना है, तो गाइस सब कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा। तो बाकी अभी हम यहाँ से डन करते हैं। एंड गाइस, यहाँ से आप सभी को चले जाना टूल्स में, फिर टूल्स में जाने के बाद जाना आपको गाइस क्लोन वाले ऑप्शन में। क्लोन वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको साइज को जो है बड़ा कर लेना है। एंड गाइस, यहाँ से आप सभी को एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि गाइस आपको रोड वाला हिस्सा चाहिए तो आपको यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप से इधर की तरफ पेंट करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे गाइस इसको फटाफट कर लेता हूँ, क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो ऐसे फटाफट कर लेता हूँ। बाकी गाइस, अगर आप में से किसी भाई को अगर या फिर आप लोगों को सभी को अगर इस क्लोन टूल के ऊपर अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दो, ठीक है। मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट को। एंड उसके बाद अगर उस कमेंट पर अगर ज़्यादा लाइक आए आप लोगों के, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, और आप रिप्लाई में भी आप बोल सकते हो कि भाई हमें इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो बाकी आपको कमेंट कर देना। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर यहाँ से आपको एड फोटो में जाकर आप सभी को ये वाला पीएनजी लेना है, ठीक है, मुंबई इंडियंस का। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले ब्लेंडिंग मोड चेंज करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड गाइस, यहाँ पे अपनी फोटो को जूम करेंगे, ठीक है। एंड फोटो को जूम करके हम कुछ स्टेप से यहाँ पे इसको अपनी टी शर्ट के ऊपर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो गाइस, अभी आप सभी को लग रहा होगा कि जो हमारा जो नीचे जो बैठा हुआ है मॉडल, उसको वो तो यार येलो कलर की टी शर्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो चेन्नई की टीम का है, ठीक है। तो बट हमें इसको येलो भी कैसे करना वो मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ तक हमारा इतना हो चुका है, ठीक है। तो इसको इतना करने के बाद हम थोड़ा साइज इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इतना परफेक्ट है। अब गाइस, यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे कर देना इसको डन, ठीक है। तो अब गाइस, आपको येलो कलर की टी शर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी को सिंपली यहाँ से जाना पड़ेगा इफेक्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आपको जाना है इस कलर्स वाले ऑप्शन में। एंड कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ से चले जाना है इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। कलर रिप्लेस करके कुछ ऑप्शन है गाइस, ठीक है, आपको इस पर चले जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे येलो कलर के पास आपको ले जाना है। आप जोन से भी टीम का बनाना चाहो आप वो कलर सिलेक्ट कर लेना। एंड इजीली आपको एजे टूल में जाकर उसको इन्वर्ट कर देना है। ब्रश की जो हार्डनेस होगी उसको फुल कर देना है। एंड साइज को अपने हिसाब से रखें, फोटो को जूम करें फटाफट से इरेज नहीं होगा, आपको पेंट करना है, ठीक है। तो पेंट कर लेना फटाफट। एंड यहाँ पे गाइस, मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है, इसलिए आप सबको थोड़ा फास्ट दिख रहा होगा, बट आप लोग एकदम ईजी तरीके से एकदम आराम से करना, ठीक है, ताकि अच्छे से एकदम हो। तो इस तरीके से आप सभी को करना है। तो यहाँ पे मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ। ओके गाइस, सो हमारे यहाँ तक भी हो चुका है। तो अब आप सभी को क्या करना, आप सभी को जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से आपको चेन्नई का ये वाला जो लोगो है आपको इसको ले लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसको क्या करना है, आप सभी को इसको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को अपनी फोटो को यहाँ पे जूम करना है। एंड गाइस, कुछ इस टाइप से आपको अपनी पीछे की तरफ इस तरीके से आपको लगा देना है, ठीक है। देन इसको डुप्लीकेट करके आपको एक शोल्डर पर भी लगाना, तो हम इसका डुप्लीकेट करते हैं। एंड गाइस, उसके बाद हम इसको कुछ इस टाइप से कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस, इसको यहाँ पे अभी हमें रोटेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस तो इसे अभी इस तरीके से रोटेट कर देंगे, आप देखिएगा यहाँ पे अब ये परफेक्ट है, ठीक है।
इतना रोटेट करके आपको ऐसे लगा देना है एंड इसके बाद यहाँ पे कर देना आप सबको डन। ठीक है, तो हमारे इतना काम हो चुका है, बैकग्राउंड पीएनजी सब कुछ लग चुके हैं। तो आप क्या करना, आप सबको जाना ऐड फोटो में एंड एक पीएनजी और लेना है यहाँ पे विग्नेट का। आपको उसके करना है, आपको इजिली इसकी ओपेसिटी फुल रखते हैं एंड इसके बाद आपको इजिली इसको फुल स्क्रीन कर देना, कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा यहाँ पे, एकदम परफेक्ट है। अब इसको गाइस यहाँ पे हम कर देते हैं डन। ठीक है, इतना कर देने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको चले जाना है गाइस यहाँ से फोटो को सेव कर लेना एंड यहाँ से लेके चलना है इसको लाइट रूम ऐप में। ठीक है, लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, इसका जो गाइस कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस हाईलाइट होगा इसको भी बढ़ा देना है एंड जो शेडो होगा आपको उसको भी इंक्रीज कर देना है। ठीक है, शेडो को इंक्रीज कर देना है एंड गाइस जो व्हाइट होगा इसको भी इंक्रीज कर देना है एंड जो ब्लैक होगा गाइस इसको भी इंक्रीज कर देना है। ठीक है, फिर जाना आपको गाइस कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को आपको बढ़ा देना है, टेम्परेचर को हल्का कम कर देना है एंड उसके बाद गाइस जाना आपको मिक्स टूल में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है एंड ल्यूमिनस चाहो तो अपने बढ़ा सकते हो। देन जाना गाइस आपको येलो कलर में, आप गाइस यहाँ पे अपनी फोटो का जो टी शर्ट का कलर उसको आप डार्क कर सकते हो तो सैचुरेशन को हम बढ़ा देंगे एंड येलो कलर है सॉरी ब्लू कलर में आप इसका भी ह्यू चेंज कर सकते हो एंड सैचुरेशन वगैरह बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसको आप इतना कर लेना। देन उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे डन कर देना है एंड चले जाना कलर के नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी गाइस सॉरी क्लियरिटी नहीं, पहले आपको विग्नेट डाल देना फोटो में एंड फिर क्लियरिटी को बढ़ाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड चले जाना नीचे वाले टूल में, फिर जो गाइस फोटो की शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना एंड गाइस नोटिफिकेशन को आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली फोटो का जो रिजल्ट है वो आप सबके सामने, तो गाइस आशा करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।